जय हिंद सभी भूतपूर्व सैनिकों का एक बार फिर स्वागत है। असम के डिब्रूगढ़ से एक बड़ी खबर आई है। असम के डिब्रूगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली 29 अक्टूबर 2023 को हुई और इस रैली में लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड ने पूर्व सैनिकों को संबोधित किया, जिसमें 4000 से भी ज़्यादा पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित तीनों सेनाओं के रिकॉर्ड ऑफिसेज के अधिकारी, पेंशन कार्यालय पीसीडीए इलाहाबाद के अधिकारी और भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अधिकारी और प्रतिनिधियों ने लाभार्थियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सा सुविधाएं, भर्ती के अवसर, रोजगार के अवसर, स्पर्श और ECHS के लिए दस्तावेज आदि भी उपलब्ध कराए गए। इस दौरान जनरल साहब ने जो बात कही वो आपके दिल को छू जाएगी। जनरल साहब ने कहा, हमारे पूर्व सैनिक हमेशा केवल ECHS और CST कैंटीन की ही बात करते हैं और ECHS और CST से संबंधित समस्या ही बताते हैं, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के साथ सबसे बड़ी समस्या है उनकी पेंशन में, और इस पेंशन की बात वो कभी नहीं करते। पूर्व सैनिकों को अपनी पेंशन में कमियों और पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर बात करनी चाहिए। अब आप जनरल साहब का पूरा भाषण सुने कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई बड़ी बात कही है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। ये पूर्व सैनिकों और जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे हैं उनके समर्थन में बड़ी आवाज है। इस वीडियो को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। काफी सारे रिकॉर्ड ऑफिसर्स के नुमाइंदे आए हुए हैं, DIAB के जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स हैं उनके अफसर और नुमाइंदे आए हुए हैं, और भी राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं। उनसे जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है या परेशानी है उसको दूर करिए, उनसे बात करिए। और सबसे पहला हम लोग, जब मैं किसी भी एक्स सर्विसमैन से बात करता हूँ तो वो लोग सिर्फ अपने ECHS और कैंटीन के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों के पेंशन के मामले में है, और ज्यादातर वो लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको इसके बारे में मालूम नहीं है कि क्या क्या आपको सारे पेंशन के एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप अपना PPO लाके यहाँ पे दिखाइए ताकि आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसके बारे में आपको बताया जा सके, और कोई भी अगर कमी पेशी हो तो वो आपको दिया जाए। ये सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा कई सारे जगह पे हम लोगों ने वेतन सुविधा केंद्र खोला है, उसमें कभी भी आप आकर आपके स्पर्श रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम हो उसको आप सुलझाया जा सके। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।